बाल कितने अजीब से हैं, कितने बालों, पूरे दिन उलझे रहते हैं। बैठ से इधर। चिंकी मेहमान आ रहे हैं घर पे, ये कमरा सही कर तेरा और फिर दुकान से सामान भी लेने जाना है तेरे को। जल्दी साफ कर और फिर मैं तेरे को पैसे देती हूँ, मुझसे दुकान से सामान लेके आना है। जल्दी करिए साफ, मैं अभी आऊँगी देखने के लिए, 10 मिनट है तेरे पास। अरे मम्मी पता नहीं क्यों आ जाते मेहमान परेशान करने के लिए। काम करो, बच्चों से कोई काम करवाता है क्या? ये तो मैं साफ कर दिया, मम्मी को बुला के लाती हूँ। मैंने इतना अच्छा साफ किया आज पहली बार, मम्मी को दिखाऊंगी। टंटना ये देखो मैंने कितना अच्छा साफ किया ना, देखो देखो सही जगह देखो, मैंने सबसे अच्छा साफ किया है। हाँ ठीक ही किया है, अभी जा दुकान से लेके आ ये ले पैसे और जल्दी से जाओ दुकान से सामान लेके आ, बिस्किट नमकीन लेके आ। और इस पर हाथ भी मत लगा दियो, हर बार जब मेहमान आते तब बिस्किट नमकीन सब खत्म करके छोड़ देते हो भुक्कड़। जाओ जल्दी जा, कम से कम अच्छा तो कह देते, पैसे बच जाएंगे तो चॉकलेट ले आऊंगी। ये लो मैं ये आपके सामान, अभी बना लो जो भी आपको बनाना है। चिंकी इधर बैठ। हाँ बैठ। हाँ मम्मी बताओ क्या काम था, मेरी बात ध्यान से सुन कान खोल के। हेलो कान खुल जा, मम्मी कुछ बोल रही है। हाँ बोलो मम्मी। अरे क्या है मम्मी, मैंने कान ही तो खोले अपने, आपने कहा था कान खोल के सुन तो मैंने अपने कान खोले। बस फालतू की बकवास बंद करो, सुन देख गेस्ट आएंगे 10 मिनट में, उनका फोन आया है तो जाते ही तुम्हें बाहर गेट खोलेगी तू और उनको प्रणाम और नमस्ते करेगी, अच्छे से करना है। और जब मैं तेरे को बुलाऊं तो अच्छे से आना है, ऐसे नहीं, और अच्छे से तैयार हो जा। ये जो तूने बेकार से कपड़े पहन रहे ना फटे फटे, वो सोचे क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे कपड़े नहीं इस लड़की के पास, इसकी माँ खुद तो इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है और खुद इसको तो कुछ देती नहीं, क्या सोचेंगे वो। अच्छे कपड़े पहन लेना, और दूसरी बात मैं तेरे को काम करने के लिए बुलाऊं तो अच्छे से आ जाना, मुझे दूसरी बार नहीं बुलाना चाहिए तेरे को, दूसरी बार नहीं, एक बार में आ जाना, मैं एक बार बुलाऊंगी। अगर नहीं आए तो उनके जाने के बाद देखना तू मैं क्या हाल करूंगी तेरा। और तीसरी बात, और अगर वो कहें कि बेटा तू भी ले ले थोड़ा, तो हाथ भी नहीं लगाएगी, ऐसे थोड़ी सी एक्टिंग करना शर्म आने की, और फिर मतलब कहना नहीं नहीं आंटी आप खाओ मैं नहीं खा रही, ऐसे करना एक्टिंग। अगर नहीं की तो देखना तू मैं तेरे साथ ही बैठूंगी पूरे समय, और उनसे पूछ लेना खाना खाओगे, अगर उन्होंने पहली बार में मना किया तो दूसरी बार पूछना, दूसरी बार में मना किया तो चले आना, एक बार में अगर उन्होंने मना किया और तू मेरे पास वापस आ गई तो देखना इतने थप्पड़ मारूंगी तेरे को। एक बार पहली बार में तो मना ही करते हैं, सभी करते हैं, मैं भी करती हूँ, फिर भी दो बार पूछते हैं वो, फिर मैं हाँ कर देती हूँ, खाना छोड़ना ठीक है। याद से अब इतने ध्यान से सुन लेना, और उनके जाने के बाद तुझे खाना है उससे जो भी खाएगी तू, अगर बच्चेगा तो, वरना हाथ मत लगाना। हाँ मेरे को सारे आपके रूल्स पता है, हर बार आप यही ज्ञान देते हो, जब भी कोई आता है ये करना वो करना, ये मत करना ये मत करना, पता है मेरे को सब ठीक है। और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो जाते समय पैसे दे तो मना कर देना, नहीं चाहिए आंटी हमें नहीं नाटक करना, और जब वो कुछ ज़्यादा जिद करने लग जाए ना तभी लेना, और फिर उनके जाने के बाद सीधा कि मेरे को देना वो पैसे, तुझे कुछ नहीं करना होगा, मैं अपना दिला दूँगी तुझे कुछ चाहिए होगा तो, मेरे को आके देना है कहीं मत डालती हो, फेंक देगी। मैं अब हर बार यही कहते हो कि जो मेहमान पैसे देंगे उनका पहले मना करना फिर ले लेना, और फिर जब मेरे को आके दे देना, और आप कहते हो कि आप मैं खुद दिला दूँगी चीज़, फिर कहते हो पैसे नहीं है ये अपने पापा से मंगवा, जाके पापा को पैसे लगाइए वो, मेरे पास से तो आप ही रख लेते हो सारे, इस बार नहीं दूंगी मैं आपको, नहीं देंगे पैसे मेरे को, ये थप्पड़ दिख रहा है ना, दोनों गाल सुझा दूंगी, उंगलियों के निशान दिखेंगे सभी को। अब चल नौटंकी तो कर मत, और जाके मेरे साथ किचन में काम करवा, आ जा बहुत काम पड़ा है, काम से तो फुर्सत ही नहीं मिलती मेरे को, छोड़ो बाय।